सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज है 10th of July. हम जा रहे हैं ओसाका और हम जा रहे हैं बुलेट ट्रेन में, शिंकानसेन. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास में. आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे वैसे बुलेट ट्रेन के, लेकिन आपने फर्स्ट क्लास में शायद बहुत कम देखे होंगे. और अभी मैं जा रहा हूँ टोक्यो स्टेशन निजू से, जहाँ मैं रुका हुआ था. और टोक्यो स्टेशन जाके मैं खरीदूंगा ग्रीन पास, जो कि लगभग अराउंड 23,000 का है. उसमें 7 days तक मैं अनलिमिटेड बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर सकता हूँ ऑल ओवर द जापान. That is called JR Pass. इतना excited हूँ ना, जब मैं बचपन में videos देखा करता था bullet train की, तो लगता था कि भाई साहब कभी मौका मिलेगा बैठने का, क्योंकि इंडिया में तो अभी तक आई नहीं है. पता नहीं आएगी कब, शायद 4-5 साल बाद मुंबई अहमदाबाद के बीच में. बट जब आएगी तब आएगी, बट अभी फिलहाल तो जापनीज बुलेट ट्रेन को ट्राई करते हैं. एक इंडियन होने के नाते हम ट्रैवल करेंगे फर्स्ट क्लास में. आपने मेरा बहुत फर्स्ट क्लास वाला कॉन्टेंट देखा होगा, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो ट्रेन हो. आज बुलेट ट्रेन का फर्स्ट क्लास देखो. व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना. एम रखते हैं अराउंड 40,000 लाइक का इस वाले वीडियो में. आपके लाइक से, आपके सपोर्ट से ही कुछ हार्डवर्क कर पाता हूँ, वरना उसके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में. दिन से टोक्यो में था, लेकिन जो आज गर्मी है ना, बिल्कुल धूप सर के ऊपर है. कैब से होता क्या है कि बाल खराब हो जाते हैं, लेकिन आज कैब पहननी पड़ेगी. अब जा रहा हूँ मैं पहले टोक्यो स्टेशन, क्योंकि जो JR पास है वो टोक्यो स्टेशन से ही मिलेगा आपको. बुलेट ट्रेन की टिकट टोक्यो स्टेशन से ही मिलेगी. एक और स्टेशन है ऊनो, जहाँ पे मैं आया था एयरपोर्ट से. ये जो ट्रेन में देते हैं ना यहाँ पे पैसे, बहुत मस्त चीज़ है. और छुट्टों की तो कमी नहीं है गाइस, मतलब मस्त है. चलते हैं. मेट्रो से मैं आ गया हूँ. स्टेशन का नाम था कुछ निजू करके. हाँ, ये निजूबाशी. निजूबाशी से मैं टोक्यो स्टेशन जा रहा हूँ, जो कि 300 मीटर है. टोक्यो स्टेशन के लिए ना पहले मुझे ये स्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा. अगर ये गूगल नहीं होता ना, गूगल ट्रांसपोर्ट, तो बड़ी मुश्किल हो जाती. बट गूगल ट्रांसपोर्ट से मतलब सही में आप अच्छे से कहीं पर भी जा सकते हो जापान में. जैसे कि मैंने बोला कि हर जगह जो है गूगल ट्रांसपोर्ट चलेगा जापान के अंदर. और अभी यहाँ पे आपको लग रहा है ना कि कितनी गर्मी है भाई साहब. नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है. बर्फ़ इतनी ठंड होती है इधर. तो जहाँ पे टोक्यो स्टेशन है वो सेंटर है टोक्यो का. ये एरिया जो है अपने में ही बहुत कमाल का है. बस 300 मीटर जाना है मुझे, थोड़ा ही आ गया. JR पास लेके विल बी गुड टू गो. और ये बिल्डिंग देखो भाई, कुछ ज़्यादा ही ऊँची है ये. यहाँ पे रोड क्रॉस करने की टेंशन ही नहीं है. जब ग्रीन होगा तब निकल जाना, ग्रीन नहीं है रुके रहो. ये कुछ अलग ही एरिया है टोक्यो का. एंड आई थिंक यहाँ पे सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं. तभी ये बिल्डिंग्स यहाँ पे ना बहुत तगड़ी तगड़ी स्काई स्क्रेपर्स हैं. तो मैं टोक्यो जा रहा था स्टेशन, रास्ते में मुझे ये वेगन बर्गर दिख गया. वेगन बर्गर की कोई एक कैफे है, पैंट्री करके, पता हो. ये वेगन मिल रहा था तो मेरे को लगा यार मौका नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे ही खाने के मौके कम मिल रहे हैं, तो मैंने ये ले लिया. वेगन है ये, प्योर वेज है. पहले मेरे को डाउट था कि जापान में वेज मिलेगा कि नहीं, बट ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, तो वेगन तो मिलना ही था. एनीवे, जो वेगन होता है ना उसके ऊपर आपको झंडा दिख जाएगा ऐसे. थैंक यू सो मच. तो ये स्पेशली मुझे छोड़ने जा रहे हैं टोक्यो स्टेशन, बिकॉज मैं कंफ्यूज हूँ कि रास्ता किधर से है. वाओ, अमेजिंग यार. ओके ओके. मुझे ना रास्ता नहीं मिल रहा था, एंड वो अंकल मुझे स्पेशली छोड़ने आए, बेसमेंट से स्पेशली छोड़ने आए हैं ऊपर. भाई मानना पड़ेगा. और मैंने रेस्टोरेंट में खाया तो मेरे को लगा चलो यार 30 येन जो है टिप दे देते हैं, बट यहाँ पे टिप नहीं चलती, बिल्कुल मना कर दिया. बोला कि भाई टिप बिल्कुल मत दो. इट डजेंट वर्क इन जापान बट इट वर्क्स इन US. यहाँ नहीं चलता है टिप. वाओ, मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं यार. तो फाइनली आ गए टोक्यो स्टेशन, यही है. बड़ी देर से ढूंढ रहा था. भाई ये क्या एरिया है यार गाइज, मतलब क्या बताऊँ आपको. तो ये है टोक्यो स्टेशन, मेन टोक्यो स्टेशन ऑफ जापान. यहीं से हम पकड़ेंगे बुलेट ट्रेन. अंदर आ गए भाई, अब जाके मैंने कैप निकाली है. मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि लेनी कहाँ से है टिकट, JR पास कहाँ से मिलेगा. बहुत कंफ्यूजन चल रही है. मैं ले के ना आपसे मिलता हूँ, फिर बताऊँगा मैंने कैसे लिया. ओ ये रहा, ऐसे खड़ा हुआ था यहाँ पे, मिला ही नहीं. कह रहे हैं ऊपर जाना है JR पास के लिए. अब जाके मिला है गाइज फाइनली. सब फाइनली पास मिल गया है. बहुत बहुत महंगा है ऑफकोर्स, तो मैं बता दूं. देखो टोटल मैंने पे किए हैं 55,000 येन, जो कि लगभग होता है अराउंड 33,000 रुपीज़.
तो ये देख रहे हो जापान जिसमें रेल पास लिखा है, तो ये है मेरा रेल पास जो कि मुझे पड़ा 44,000 yen का। देखो प्राइस लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। इसके बाद ये जो टिकट देख रहे हो ये है आज की ट्रेन जिसमें मैं जा रहा हूँ, शिन ओसाका बुलेट ट्रेन। इसका कोई चार्ज नहीं लगा, ये मेरे ग्रीन पास में फ्री थी। ये जो टिकट देख रहे हो ये है ओवरनाइट ट्रेन फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो जो कि सनराइज एक्सप्रेस है। इसका भी फर्स्ट क्लास है, ये इसका भी प्राइवेट कैबिन है। ये जो जर्नी है भाई साहब, ये ओसाका से है 13th को। ये सारी टिकट्स देख रहे हो, मतलब सब संभाल के रखनी है, एक भी चीज़ घूमी समझो पूरे के पूरे पैसे गए ऑनलाइन। इसको आप कहीं पे भी, कहीं नहीं है कुछ ऑनलाइन सिस्टम, आपको ये दिखानी पड़ेगी क्रू को जो कि ट्रेन में रहेगा। अच्छा, ये ग्रीन पास है, मतलब पूरे जापान में एक हफ्ते तक मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकता हूँ, और फर्स्ट क्लास बहुत ही कमाल का होता है। तो ओवरनाइट एक्सप्रेस में ये फर्स्ट क्लास एप्लीकेबल नहीं है, तो लेकिन फिर भी आप डिफरेंस अमाउंट दे सकते हो। तो क्योंकि मैंने ग्रीन पास खरीदा था तो मैंने डिफरेंस अमाउंट दिया लगभग 10,000 yen का इस टिकट के लिए, ठीक है। अब चलते हैं बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जापान रेल पास। देखो लिखा है ना यहाँ पे, ये देखो ये गया, इसको भूलना नहीं है, भूले तो गए, बस एंटर करने के लिए यूज़ किया। ये ट्रैक नंबर 8 है, पे ना रूट लिखा हुआ है ऊनो टोक्यो लाइन, ये 8 पे लिखा है ऊनो टोक्यो, तो वैसे हमको 16 पे जाना है, बहुत आगे है, वो है शिन ओसाका लाइन। ये देखो ये टोकाइडो लाइन, ये बहुत सही तरीके से मेंशनड है। चढ़ने से पहले मैं कॉफ़ी भी लूँगा गाइस, बिकॉज जहाँ पे शिनकानसेन लिखा हो समझ जाओ बुलेट ट्रेन का मामला है। ने ली भाई साहब, इतनी मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद, और इतने इतने पैसे लगाने के बाद अब फाइनली हम शिनकानसेन लाइन की तरफ। सो ये है बुलेट ट्रेन भाई साहब, कांट बिलीव मैं इसके सामने हूँ। ग्रीन क्लास, ग्रीन क्लास 10, 9, 9, तो 9 नंबर पे है ग्रीन क्लास। जाते हैं भाई साहब और बैठते हैं ट्रेन के अंदर। क्या कमाल लग रही है भाई, शायद ये चली जाएगी, मुझे लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा, बट anyway, ट्राई करता हूँ। 9 नंबर है ग्रीन क्लास का, बट आई थिंक अंदर अंदर भी मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। कैन आई गो फ्रॉम इनसाइड? ओ भाई, ये फर्स्ट क्लास है बुलेट ट्रेन का, ठीक है। तो हमारा है कार नंबर 9, तो वहीं जा रहा हूँ और आपको बैठ के मिलता हूँ। अब इतनी मशक्क़त के बाद बैठ गया हूँ मैं फाइनली जापान की बुलेट ट्रेन में। ट्रेन चल पड़ी है और मेरी सीट है 11, लेकिन मैं वहाँ नहीं बैठा क्योंकि बैठा हुआ था कोई, और अभी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। एक एक करके देखेंगे, और इसकी स्पीड जाती है लगभग 200 के ऊपर, तो लगभग 250 की स्पीड है। अब मुझे पता नहीं है फास्ट बुलेट ट्रेन है या स्लो। ये देखो यहाँ से आप चाहो तो उसको बंद कर सकते हो, तो धूप नहीं आएगी अंदर, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। और यहाँ पे आगे देख सकते हो फुट रेस्ट अलग टाइप का दिया है, यहाँ पे मैगजीन्स वगैरह दिए हैं, और ये है ट्रे टेबल, ट्रे टेबल आगे पीछे हो जाता है, और अंदर ना खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है अंदर, मतलब एक बढ़िया सी खुशबू है अंदर। देखो नीचे मैट वगैरह बिछा हुआ है, और ज़्यादा एक लग्जरी फीलिंग है ट्रेन के अंदर। यहाँ पे आप चाहो तो सीट को रिक्लाइन कर सकते हो, तो लेट्स सी, मैं दबाता हूँ रिक्लाइन। देखो मैंने रिक्लाइन दबाया, यहाँ पे ना आप रख के कॉफ़ी या चाय वगैरह कुछ भी पी सकते हो, एंड कुछ कुछ खाना पीना भी इंक्लूडेड है हमारी इस शिनकानसेन में, तो मैं बताऊँगा। और बाहर देखो भाई साहब कितना कमाल का लग रहा है, विंडो शीट्स देखो, इतना सही लग रहा है। और ये सुपर एक्सप्रेस है बाय द वे, तो शायद चार स्टेशन रुकेगी, क्योटो में भी रुकेगी जो कि जापान का कैपिटल था बिफोर टोक्यो, तो हाँ टोक्यो के पहले जो कैपिटल था वो क्योटो था, ठीक है। और बस अब हम निकल रहे हैं टोक्यो से। यहाँ पे ना आपको, यहाँ पे आप हाथ भी धो सकते हो, तो ये वॉश बेसिन्स बाहर बने हुए हैं ट्रेन के, और ये लाइट्स ऑटोमेटिक है, तो जैसे ही मैं जाऊँगा इधर लाइट जल जाएगी, ठीक है, और मैं दूर हटूँगा लाइट बंद हो जाएगी अपने आप। सो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, और भी सेंसर लगे हैं देखो यहाँ पे, और ये जो है सोप है तो उसको पुश करना पड़ेगा, सोप यूज़ करो एंड दिस इज़ ऑटोमेटिक। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, तो ये है शिनकानसेन का वॉशरूम, प्लेन से कम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे भी जो सीट्स हैं बिल्कुल टिपिकल जापानी स्टाइल कमोड होता है ना, वैसी है, पता होगा अभी तक तो आप जान गए होगे। ये बच्चे के लिए यहाँ पे बिठाना हो किसी को, टिश्यू पेपर्स वगैरह ऑब्वियसली दिए हैं, फ्लश के लिए ये दबाना है। नीचे देखो यहाँ पे भी सेंसर्स हैं, ठीक है भाई। जो क्वालिटी लग रही है ना, जो फीलिंग आ रही है ना ट्रेन में, मतलब समझो कि ये है बुलेट ट्रेन, द फेमस जापानीज बुलेट ट्रेन जिसको पूरी दुनिया जानती है।
एक्चुअली मेरी ट्रेन जो थी ना वो 2:33 को थी, तो मैं गलती से इसमें आ गया, बट ठीक है कहीं भी बैठ सकता हूँ। अब मुझे अभी लग रही है बहुत तेज़ प्यास, सो यहाँ पे क्यू भी होता है, आप चाहो तो सब खरीद भी सकते हो। भी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी बट मैं आपको जो जो आता जाएगा बताता जाऊँगा। ऊपर देख लो, ऊपर ना यहाँ पे वो प्लेन जैसे कुछ रीडिंग लैम्प्स या फिर क्रू को बुलाने के लिए कुछ भी नहीं है, डिफरेंट सिस्टम है इसमें बुलेट ट्रेन का। अभी हमको ये मिला है, डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा है। एक्चुअली गाइस मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया, को ट्रेन लेनी है ये हिकारी वाली 647, ये नाम है ट्रेन का हिकारी 647। मैं पता नहीं शायद दूसरी ट्रेन में चढ़ा हूँ, लेकिन हाँ इंटीरियर सेम ही है जिसमें मैं चढ़ूंगा, पर वो ट्रेन बाद में आएगी। तो अभी जो स्टेशन आ रहा है इसमें मैं उतर रहा हूँ, जो अगली फिर आएगी ट्रेन उसमें बैठूंगा। ये कह रहे हैं जल्दी उतर जाओ वरना ये रुकेगी नहीं। तो ये रेड वाली देख रहे हो ना 647251 को जो लिखा है ये हिकारी 6, यही हमारी ट्रेन है, इसमें चढ़ना है हमको। 241 को आएगी, उसके पहले एक कोडामा वाली आएगी ट्रेन, यहाँ पे ट्रेन आ रही है मेरी, इसके बाद आएगी। 2:45 का टाइम है इस ट्रेन का और भाई साहब 2:43 को मुझे यहीं से दिख रही है। एक दो मिनट भी इनके लिए बहुत मैटर करता है, तो लेट तो बिल्कुल नहीं होती है। तो जिनके पास ग्रीन पास होगा ना, तो देखो मेरा जैसे ग्रीन पास है तो यहाँ पे ना वो ग्रीन कलर का क्रॉस बना हुआ है। तो बाय द वे ये जो ट्रेन है ना ये अनरिजर्व्ड है, जो अनरिजर्व्ड ट्रेन्स होती हैं बुलेट ट्रेन्स वो जापानीज रेल पास होल्डर्स के लिए होती हैं, और जो रिजर्व्ड होती हैं वो उनके लिए होती हैं जिन्होंने टिकट जाके खरीदी होती है। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं होता दोनों ट्रेन्स में। हालांकि अब देखो जैसे कि ये देख रहे हो ये जो ग्रीन कार लिखा हुआ है ना, मतलब कि ये फर्स्ट क्लास है। तो एक फर्स्ट क्लास होता है और एक नॉर्मल क्लास होता है बुलेट ट्रेन में, हमने फर्स्ट क्लास लिया है। सर्विसेज ज़्यादा होती हैं, पूरे जापान में आप कहीं भी जा सकते हो एक जापान पास के साथ। अभी आप देखना मैं 7-7 दिनों के अंदर ही पूरा वसूल लूंगा तरीके से। मैंने लगभग दिए हैं, लगभग समझो आप 27,000 दिए हैं टोटल 7 डेज के फर्स्ट क्लास के लिए, पूरा वसूली हो जाएगी। अगर आप बिना पास के लेते तो ये आपको एक वन वे पड़ती अराउंड 6-7,000 की, वन वे की टिकट पड़ती आपको बुलेट ट्रेन की। फिर मैं वहां से आता भी तो 12,000 मेरे तब एक और लग जाते हैं। फिर मेरे को हायाबुसा भी करनी है, वो आप देखोगे वो जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है, तो वो भी करनी है, तो उसकी टिकट अलग पड़ती मुझे 13,000 की, आने के लिए फिर मुझे 26,000 रुपए लग जाते हैं। और ओवरनाइट एक्सप्रेस जो है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, 20,000 की टिकट है उसकी, 20,000 येन लगभग 10,000 रुपए। ये आ गई हमारी ट्रेन, इसमें हमको बैठना है और मेरा सीट मेरा कोच है 9, इसमें बैठना है। इसको मैं टोक्यो से भी पकड़ सकता था लेकिन मैंने थोड़ी गलती कर दी, और टाइमिंग मतलब ऐसी 2:45 मतलब 2:45। मेरी सीट थी वो थी कार नंबर 9 पे, लेकिन मैंने एक्सचेंज कर ली और मैं आ गया कार नंबर 10 पे शायद। हाँ अब 10 पे मैं इसलिए आया क्योंकि ये खाली था, मेरे आसपास कोई नहीं था। और जो हमारे जब आप बाहर कंट्री में आओगे ना तो यहाँ पे टीटी को क्रू बोलते हैं, इंडिया में टीटी बोलते हैं, यहाँ पे क्रू बोलते हैं। उन्होंने खुद ही देख लिया कि मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ बैठने के लिए, उन्होंने लिख लिया कि मैं 2C में बैठा हूँ अपने, उन्होंने पेपर में लिखा और मेरा सीट पूछा, एंड उन्होंने इशारा किया कि आप एक्सचेंज कर रहे हो, मैंने कहा यस एक्सचेंज कर रहा हूँ, तो हाँ उन्होंने बोला बैठ जाओ। भाई आज जो मेरा इंसिडेंट हुआ है ना लोगों के साथ जापानीज के साथ, सीरियसली गाइज मतलब व्हाट अ जेम ऑफ पीपल, मतलब यू वुड लव कमिंग टू जापान, आई डोंट नो भाई क्या लोग हैं भाई यहाँ के, मज़ा आ गया यार। जो आपको हॉस्पिटैलिटी मिलती है ना इधर एज अ फॉरेनर, मुझे लगता नहीं कोई कंट्री में ऐसी मिलती होगी। एक क्रू है ठीक है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, वाइन से लेके आइसक्रीम भी है इधर, मतलब जैसे वो एयर होस्टेस होती है ना प्लेन्स में सब कुछ लेकर आती हैं, यहाँ पे ग्रीन टी आइसक्रीम भी मिलती है, दैट इज़ वेरी फेमस। हाँ एवरीथिंग इज़ देयर बट आई थिंक ये पेड है, और कुछ फ्री वाला भी होता है तो वो भी आएगा हमको, तो पता नहीं है पेड है कि फ्री है, बट फ्री मिलता है फर्स्ट क्लास में मिलता है, अब क्या मिलेगा नॉट श्योर। क्या चल रही है गाइस ये, ओहो वाईफाई भी इंक्लूडेड है ट्रेन के अंदर, शिनकानसेन फ्री वाईफाई भी है इसमें, और इमरजेंसी के लिए SOS भी दबा सकते हो, बट ये आई थिंक पेड है। तो हाँ भाई क्या स्पीड है भाई इसकी, मज़ा आ गई यार, लग रहा है भाई ये बहुत तेज़ है गाइस, बहुत ज़्यादा, आपको कैमरे पे नज़र नहीं आएगा बट ये बहुत तेज़ है।
और बता दूं यहाँ से ओसाका है अराउंड 550 किलोमीटर्स, तो लगभग ढाई घंटे में कवर करेंगे हम 550 किलोमीटर्स। माउंट फूजी भी दिखेगा, तो जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। नज़ारे एक नंबर चल रहे हैं अभी। तो मैंने अभी पूछा था कि जो खाना है वो इंक्लूडेड है भी कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब कुछ कुछ रेंज में होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। तो आई थिंक इस वाली में खाना इंक्लूडेड नहीं है, वैसे कई में होता है। तो जो हम हायाबूसा करेंगे ना, एक और ट्रेन है हायाबूसा, वो जापान की फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन है। ये तो है बहुत फास्ट, लेकिन वो फास्टेस्ट है और वो सपोरो जाती है नॉर्थ ऑफ जापान। उसमें होगा, हमारा फर्स्ट क्लास ही है, उसमें भी फ्री है। हर भर के टनल्स हैं, हर 10 मिनट में कोई ना कोई टनल आ रहा है। अभी कोई पहाड़ वगैरह हम क्रॉस कर रहे हैं, आई थिंक माउंट फूजी भी होके जाएंगे, मुझे पता है। बाय द वे विंडो शीट की क्वालिटी देखो कितनी बढ़िया है, और जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे तो भी सोचो क्या नज़ारे होते होंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोड लिमिट 10 kg है, जो मैगजीन दी हुई है, ये जापनीज मैगजीन्स वगैरह हैं। और मैंने एक चीज़ देखी, देखो जो ये अपना ये दिया हुआ है फुट रेस्ट, ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, लेंथ थोड़ा सा ऊपर है। और रात में देखो लाइट्स वगैरह कितनी कमाल की लग रही हैं, और ब्लैंकेट वगैरह भी मिलती है। वो देख रहे हो ना, वो ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, इससे रात में अगर कोई आ रहा है तो सो भी सकता है। खाने पीने के लिए वो क्रू जो है वो लेकर आएंगी, आपको उसमें से लेना पड़ेगा। और नीचे जो मैट बिछाया है ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो ये हमको वेट नैपकिन मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पसीने से नहा चुका हूँ मैं। फ्लाइट के बिजनेस क्लास में भी मिलता है, और ऊपर सामान वामान भी रख सकते हो। अगर आपको सीट पीछे करनी हो तो यहाँ से होती है, आगे करनी हो तो यहाँ से होगी, पीछे करनी है तो ये कि फर्स्ट क्लास में ही है, ये नॉर्मल क्लास में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ये चार्जिंग सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट चालू है इसमें, ग्रीन का मतलब है। ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, बस ये मुझे कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और फुट रेस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा बाय चांस, इसको प्रेस करोगे तो ये नीचे भी हो जाएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। वो लिखा हुआ है जस्ट फुट रेस्ट बाय स्टेपिंग ऑन द साइड पेडल। ट्रेन के अंदर स्मोकिंग रूम भी है, या वो है चेयर कार, यहाँ पे भी आई थिंक स्मोकिंग रूम ही है, तो है प्राइवेट लिखा है। ट्रेन तो भाई ऐसे नहीं खोलते, तंग नहीं करते किसी को, कैमरे वगैरह लगे हैं बाहर से ऐसी है। उस साइड जो है क्रू का भी कैबिन है, तो जो स्मोकिंग रूम है वहाँ से भी आप नज़ारे इन्जॉय कर सकते हो। तो अगर कुछ ओवर साइज बैगेज है उसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे कंफर्टेबली फिट हो जाएंगे। सर मेरा ओवर साइज है। डस्टबिन मैं ढूंढ रहा हूँ, डस्टबिन किधर है? हाँ डस्टबिन ये रहा। तो मैं और भी अलग सीट पे आके बैठ गया, मैं चाहता नहीं भाई कोई डिस्टर्ब हो। तो मेरे आसपास अभी कोई भी नहीं है, तो मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि जापान में ट्रेन बहुत शांत होती हैं, थोड़ी सी भी आवाज़ करो चली जाती है। अच्छे खासे बादल हैं। जब मैं टिकट ले रहा था तो मैम कह रही थी कि वेस्ट ऑफ जापान में बारिश होने की वजह से बहुत सारी ट्रेन कैंसिल्ड हुई हैं। तो पता नहीं हमारी सनराइज़ एक्सप्रेस चलेगी कि नहीं, बट वो जापान की ओवरनाइट ट्रेन है और उसमें मैंने फ़र्स्ट क्लास में टिकट बुक की है। सोचो भाई साहब, जापान की ओवरनाइट फर्स्ट क्लास कैसी होने वाली है। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो, अभी इस वक्त दबा लो। आई थिंक ये जो है ना, को जब आया मैंने ना तो मुझे हवा आने लगी। अगर हवा लेनी है मुंह पे तो इसको प्रेस करना है, रेड वाले को। माउंट फूजी इधर है बट दिख नहीं रहा क्योंकि बादल बहुत है। एग्जैक्टली यहीं पे ही है माउंट फूजी। अगर मैं सर्दियों में आता तो पक्का दिखता वाइट कलर का, बट अभी दिखेगा ही नहीं माउंट फूजी। दैट्स अनफॉर्चुनेट बिकॉज अभी बादल बहुत ज़्यादा है। और चीज़ जो शिंकानसेन का ट्रैक है ना, वो फेंस्ड है, मतलब फेंसिंग पूरी डली हुई है तरीके से, तो कोई अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर जा सकता है। जो बाकी ट्रेन है उनका ट्रैक्स अलग है, शिंकानसेन का बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो भी हमारा मुंबई अहमदाबाद वाला भी बन रहा है ना, उसमें भी यही है, तो पूरी फेंसिंग करनी पड़ती है, मतलब पूरा ही अलग ट्रैक बनाना पड़ेगा फ्रॉम द स्क्रैच। आप कुछ सोचो 250-300 की स्पीड में, तो ये टेक ऑफ स्पीड होती है प्लेन्स की। जस्ट इमेजिन जिस स्पीड में अब ये चल रही है, दिस इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ प्लेन, तो कोई आसान तो है नहीं। तो पूरा फेंसिंग है देखो, पूरा तरीके से वो ट्रैक अलग है, बिल्कुल अलग ही है वो फ्रीट का है पूरा। आई थिंक ट्रेन का क्रू है, उन्होंने यहाँ पे एक मशीन लगाई हुई है जिनकी वजह से दे कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, मतलब अगर इंग्लिश भी बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे क्योंकि मशीन लगी रहती है। जो JR पास दे रहे थे वहाँ पे भी एक इंग्लिश काउंटर था, एक जापानीज काउंटर था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जापान में कि आपको
अगर यहाँ पे लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, आती है, हो जाता है काम कभी कभी, मतलब अगर आप कोई विलेज जाओगे कोई होगा वहाँ इशू हो सकता है, बट पूरे घर वुडन के हैं क्योंकि जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं। वो अभी तक जितनी भी पूरी हिस्ट्री में सारी कंट्रीज को उठा के देख लो, सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जापान में ही आए हैं, सुनामीज भी आई हैं। जापान एक ऐसी कंट्री है जिसे सबसे ज्यादा पेन सा है ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, फिर वो सुनामीज हो, नेचुरल कैलामिटीज हो, लेकिन तो भी देखो भाई साहब सबसे ज्यादा डेवलप भी जापान ही है। तो हाँ, यही एक वो होता है ना कि साला तुम कितना भी दर्द दे दो तो भी हम सबसे बेस्ट बन के दिखाएंगे, ये एटीट्यूड है। डू वी हैव अ वेगन फूड? दिस इज श्रिंप। या एक्चुअली जितना भी कुछ खाना पीना था ना, वो सब चिकन, पोर्क, फिश वो सब था, तो वो सब मेरे को नहीं खाना। चिकन मैंने बोला, मतलब मैं एडजस्ट कर लेता आप लोगों के लिए, खाना दिखा देता आपको। पोर्क वगैरह मैं नहीं खाता, वो तो ज़्यादा हो जाता। फिश भी थी, सब कुछ था, मतलब चार पांच ऑप्शन थे, मेन्यू था पूरा। तो खा सकते हो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। जापान की वाइन वर्ल्ड फेमस होती है। तो अभी हम हमामात्सू पहुँचने वाले हैं। आई एम नॉट श्योर कि हम हमामात्सू में रुकेंगे कि नहीं, और आई थिंक ये हमामात्सू क्रॉस भी कर लिया, इतनी स्पीड है। अभी आ रहा है हमामात्सू। अपनी सीट पे चलते हैं। तो जो हमामात्सू है ना, वो फेमस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, मतलब वहाँ पे बनते हैं। सुजुकी, टोयोटा, होंडा का भी फैक्ट्रीज हैं, हमामात्सू में काफ़ी फेमस है ये। लेकिन तोयोहाशी में रुके हैं। तो अभी तक हमने लगभग 250 किलोमीटर्स कवर किए हैं, और यहाँ से और लगभग 250 किलोमीटर्स और है ओसाका। तो यहाँ से निकल गए, अभी मुझे नहीं पता अगला स्टॉप कौन सा है। तो अभी 100 की स्पीड है, ठीक है, देखते जाओ। तो आप जो ये जगह देख रहे हो ना, यहाँ आपको सिर्फ स्नो मिलेगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। यहाँ भी जो बारिश आपको लग रही है, ये पूरी स्नो होगी इधर। जो हैंड रेस्ट है काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये लाइट का, ये मैंने प्रेस किया। अब गैस करो लाइट कहाँ पे आई, इधर। ये है रीडिंग लैम्प्स, तो यहाँ पे दी हुई है, हमारे इंडिया में वहाँ पे दी होती है। और एसी के डक्स इधर दिए हुए हैं। ये है हैंगर, और ये देखो ट्रेन के अंदर जिन्होंने कुछ डिज़ाइन वगैरह भी बनाया हुआ है। और ये जो है ना, और अभी लग रहा है भाई बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, ज़बरदस्त काले बादल हैं भाई भर भर के। ज़्यादा ही स्पीड लग रही है, और क्योंकि पैसिफिक ओशन पास में ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो अभी हम पहुँच रहे हैं नगोया। तो जो नगोया है, इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ टोयोटा। तो ये ऑटोमोबाइल सिटी है ये जापान की। टोयोटा का जन्म यहीं हुआ था। अभी भी इंडिया में आप गाड़ी देखते हो, टोयोटा, इनोवा, टोयोटा की सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, भाई साहब समझ लो आपके दिमाग में नयोटा आना चाहिए। जहाँ पे हम अभी आए हैं देखो ना, बिल्डिंग भी बड़ी बड़ी मिलेंगी आपको इधर। तो टोयोटा के अलावा यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी बनते हैं, जितनी भी मतलब ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज हैं आपको नयोटा में मिलेंगी। काफ़ी बढ़िया लग रही है, और बारिश भी शुरू हो गई है। देखो स्टेशन आई थिंक वहाँ पे आया है। यहाँ कोई आएगा तो भाई हम निकल जाएंगे वापस अपनी सीट पे। और हाँ, इंडिया जैसे आप बाहर नहीं जा सकते व्लॉग करने, फिर वापस अंदर आ जाओ। तो यहाँ से ओसाका 170 किलोमीटर्स हैं, और बारिश शुरू हो गई है, और नीचे देखो टैक्सीज वगैरह भी लाइन से लगी हुई हैं। तो भाई अच्छा खासा थंडर स्टॉर्म चल रहा है, और यहाँ से निकल गए हैं। अभी आप सोच रहे होगे भाई चार्जिंग सॉकेट्स किधर है, ये हैं चार्जिंग सॉकेट्स, लेकिन आपको यूनिवर्सल अडैप्टर चाहिए, तो ट्रैवल अडैप्टर कैरी करना। हमारी ट्रेन अब सारे स्टेशन में रुकेगी, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से ना आगे से कोई ट्रेन ओवरटेक करेगी, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये देखो ये ओवरटेक करके गई, अब हम निकलेंगे यहाँ से। बहुत अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है। तो दो वॉशरूम्स हैं, एक ये है सिर्फ मेल, और ये है मेल एंड फीमेल बोथ। गूगल पे रीड कर रहा था
शिनकानसेन में भी ना पहले डाइनिंग कार होता था, प्रॉपर डाइनिंग कार, बट अभी नहीं होता, अब वो लॉन्ग एक्सप्रेस ट्रेन में ही होता है, तो शायद सनराइज एक्सप्रेस में होगा डाइनिंग कार, तो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस फाइनली वी आर इन क्योटो, ये स्टेशन देख रहे हो, तो यहाँ ये जो क्योटो था टोक्यो के पहले यही कैपिटल था, और ये देखो छोटे छोटे लाउंज भी बने हैं स्टेशन के अंदर, तो यहाँ पे लोग आराम से बैठ के चिल करते हैं। फाइनली गाइस आ गए हम शिनोसाका, ओसाका को सिर्फ ओसाका नहीं शिनोसाका बोलते हैं, और सामने कोई ट्रेन देखो, एक और कोई बुलेट ट्रेन खड़ी है भाई, ये कौन सी, ये भी इंक्लूडेड होगी जेआर पास में आई एम श्योर। बट तो जापान में ना दो दो गेट्स हैं, एक तो ट्रेन का गेट हो गया और एक ये गेट हो गया, मतलब एडिशनल सेफ्टी के लिए मिदा सोजू लाइन जाना है, आई डोंट नो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ कि नहीं, बट हाँ सबवे लाइन जाना है। ओसाका का सिस्टम बिल्कुल अलग है टिकट लेने का, यहाँ पे स्टेशन कोड डालना पड़ता है, टोक्यो में आप नाम डालोगे स्टेशन का तो भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोड डालना पड़ता है, इसमें से देख के बड़ी मुश्किल से निकाला है, तानीमांची जाना है मुझे, बड़ी मुश्किल से निकला है, तो 290 येन लगे हैं भाई साहब, अगर वो मदद नहीं करते ना एक भाई तो भाई फंसा रह जाता मैं इधर। एक और ट्रेन बदलनी है सेनी चेन्नई लाइन, तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ पे बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ और ये देखो तो सेनी चेन्नई लाइन, मुझे यहीं जाना है। अभी ओसाका में बुलेट ट्रेन से आया, तो हाँ अभी मैं ऐसी वॉक करने आया था, उससे हैपनिंग स्ट्रीट है ओसाका का, स्ट्रीट फूड शायद हम कल देखेंगे आज थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बट अभी मैं ऐसी आ गया वॉक करने, हमको मन नहीं था हॉस्टल में बैठने का। गाइज ये गजबी स्ट्रीट है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना अच्छा होगा, मैं अभी बिल्कुल सेंटर पे खड़ा हूँ, मेरे को मतलब आई नो यार कोई साथ में होता तो और अच्छा होता, बट ये लाइट्स देखो यार, ये वाइब्स देखो, मतलब अलग लेवल की है, नीचे आप वॉक भी कर सकते हो आप चाहो तो। गाइज मुझे ना एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया है मिथिला करके, मैं अपने हॉस्टल आ गया था, हॉस्टल मित्सुवाया, कोई ओसाका से देख रहा है तो बताना, टोक्यो से 3-4 डीएम्स आए हैं, लेकिन अब मैं टोक्यो से निकल चुका हूँ तो मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अब आप सोच रहे हो भाई प्राइस कितना है अगर आप जेआर पास ना लो तो शिनकानसेन का जो प्राइस है विदाउट जेआर पास दैट इज अराउंड 15,000 येन, लगभग अराउंड 7,500-8,000, तो अगर मैं पास नहीं लेता तो आना जाना लगभग मेरा 15,000 रुपये पड़ जाता INR, और अभी मुझे आगे भी जाना है नॉर्थ ऑफ जापान, अगर वो वहाँ का मैं आना जाना करता तो मुझे 25,000 रुपये और लग जाता, मतलब बिना JR पास के, तो टोटल मुझे 70-80,000 रुपये लग जाता, मतलब नहीं 70-80 तो नहीं 50-60,000 रुपये लग जाता टोटल अगर मैं JR पास नहीं लेता, बट मैंने 27,000 में JR पास ले लिया और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के मैंने फर्स्ट क्लास लिया सनराइज एक्सप्रेस का, जो कि अब व्लॉग देखोगे इसके बाद वाला, तो अगर यहाँ तक व्लॉग देखा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, एंड एम रखते हैं 40-50,000 लाइक का इस वाले वीडियो में, करा पाओ तो आई कैन वर्क हार्डर, आई कैन वर्क बेटर फॉर यू एंड फॉर अपकमिंग व्लॉग, मतलब मैं सपोर्ट आपसे ऐसे मांगता हूँ ना कि आप बस लाइक से सपोर्ट करते करो, मैं आपसे और कोई सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं करता, बस जेन्युइनली आई वॉन्ट टू मेक अ ब्रिलियंट कॉन्टेंट एंड एंटरटेन यू पीपल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय। I'm just barely getting by, but I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone.